नमस्कार, सुमन किचन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे बंगाल की मशहूर रेसिपी राधा वल्लभी कचौड़ी और उसके साथ में आलू की सब्जी, जो बिना लहसुन प्याज के बनाई जाती है। और इसे नवरात्रि वगैरह में या और भी कोई यदि फंक्शन आते हैं तो ये जरूर बनाई जाती है। और इसे बनाना बहुत आसान है। ये आप देख सकते हो, हमने एक कटोरी ये उड़द की दाल को भिगो कर लिया है 4 से 5 घंटे। और इसे अब हम अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ फाइन पेस्ट इसका बनाएंगे। इसमें हमने थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा डाला है और 3 हरी मिर्च। आप चाहें तो इसी के साथ ग्राइंड कर लें या अलग से भी काट के डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हम मसाला पीसेंगे, यही मसाला हम कचौड़ी में भी डालेंगे और ये सब्जी जो इसके साथ वाली बनाएंगे उसमें भी हम यही मसाला डालेंगे। इसे भाजा मसाला बोलते हैं। और ये हमने सौंफ लिया है, ये हमारे पास 2 कश्मीरी लाल मिर्च हैं और कुछ तीखी वाली मिर्च हैं और ये जीरा है। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे और बस रोस्ट करने में मुश्किल से हमें 3 मिनट का टाइम लगेगा। ये मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है, इसे हम ठंडा करके और ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद में कभी भी हमें कोई चीज़ ग्राइंड करनी है तो ठंडा करने के बाद ही हमें ग्राइंड करना होता है। ये देखिए, मसाला हमारा ठंडा भी हो गया, हमने ग्राइंड कर लिया इसे। और ये देखिए, हमने इसे बहुत बारीक नहीं पीसा है। आप देख सकते हो, हमने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा, इसमें हम थोड़ी सी कलौंजी और ये थोड़ी सी सौंफ 1/4 चौथाई चम्मच करीब इसमें हमने डाल दिया है। और ये हमने हींग डाल दी, इसमें हींग बहुत ज़रूरी होती है। और ये देखिए, जो हमने दाल पीस के रखी है उसे हम सारी इसी में डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हम पकाएंगे। और इसे हम बिल्कुल पकाते हुए सूखा कर लेंगे और इसका कच्चा फ्लेवर बिल्कुल निकल जाएगा। मीडियम आंच रखनी है और इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। ये हमने 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसे हमें चलाते रहना है जिससे कि ये कढ़ाई में लगे ना। और हम इसी तरह से इसे चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक इसका कच्चा फ्लेवर निकल नहीं जाता है। दाल बिल्कुल हमें अच्छी तरह से सूख जानी चाहिए। और ये जो हमने मसाला पीसा है, वो मसाला भी हमने लगभग 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। और ये देख सकते हो, दाल हमारी किस तरह से बिल्कुल सूख चुकी है और इसका कच्चा फ्लेवर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आइए अब इसके लिए हम आटा लगा लेते हैं। ये हमने मैं 1 कटोरी मैदा लिया है और उसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप हमेशा अपने स्वाद के अनुसार डालें। हमने 1/2 चम्मच इसमें नमक डाला है, 1 चम्मच चीनी डाली है और थोड़ा सा हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। और अब हम आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। मैं ये कचौड़ी मैदे से बना रही हूँ, आप चाहें तो आधा आटा आधा मैदा ले सकते हैं और या चाहें तो आप खाली आटे से भी बना सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो राधा वल्लभी कचौड़ी है वो मैदे से ही बनती है। ये देखिए, इसे हमें एक नरम
बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। देख सकते हो आटा हमारा बढ़िया से छन चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर के 10 मिनट के लिए लगभग रेस्ट पर रखते हैं, तब तक हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए सब्जी के लिए हमने ये 5 तरह के मसाले लिए हैं। ये हमारे पास में 5ों मसाले हैं। ये देख सकते हो ये सौंफ है, काली कलौंजी है, और राई है, मेथी है और जीरा है, और 2 लाल मिर्च। अब हमने ये सारे मसाले डाल दिए हैं और अब इसमें हम ये लाल मिर्च भी डाल देते हैं। इसके बाद में ये अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है। ये हमने आलू काट के रखे हैं, इसी में डाल के अच्छी तरह से चला लेंगे। कई लोग इसमें चने की दाल डालते हैं, और यदि आप चाहें तो इसमें सूखी मटर भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। और ये हमने हल्दी पाउडर डाल दिया, 2 हरी मिर्च हमने काट के डाल दिया है, ये हमने थोड़ी सी मटर है फुला के, और इसे हमने अच्छी तरह से फुला फूलने के बाद थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है। आप इसे पसंद करें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है। और ये जो हमने भाजा मसाला बनाया था वो भी इसमें हमने 1 चम्मच डाल दिया है, और 1 चम्मच करीब, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही है नमक डाल दिया है, और इसमें 2 ग्लास हमने पानी डाला है। पानी इस सब्जी में थोड़ा कम ही पड़ता है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये देखिए जो हमने दाल अच्छी तरह से भून के रखी है, उसकी हम बोल बना लेते हैं, जो कि हमें कचौड़ी भरने में आसानी रहेगी। इस तरह से आप छोटे छोटे बॉल बना लें, आप जितनी कचौड़ी बनाना चाहते हैं उतने बॉल बना लें, और बाकी आप फ्रिज में रख दें। ये ख़राब नहीं होने का, ये हफ्ता भर भी आप चला सकते हो, जब आपका दिल करे तब आप तुरंत बनाएं। और ये देखिए आटा हमने अच्छी तरह से दोबारा से गूंध लिया है, और अब इसकी हम लोई काट लेते हैं। आप जितनी बड़ी कचौड़ी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप बोल बनाएं, और उसी हिसाब से आप लोई काटें। ये देखिए हम ये सारे आटे की लोई काट के रख लेते हैं। और इधर हमने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है, रिफाइंड ऑयल, और ये देखिए इस तरह से हमने लोई के अंदर ये जो बोल बना के रखे हैं इस तरह से भरते हुए, और ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारी कचौड़ी ये तैयार हो चुकी है। इसे अभी बेलना बाकी है। इस तरह से हम एक एक बोल को उठा के और इसके अंदर नीचे को दबाते हुए भरते जाएंगे, और ऐसे हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कितनी आसानी से हमारी कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये राधावल्लभी कचौड़ी में लहसुन प्याज वगैरह कुछ ऐसा नहीं पड़ता है, और ये जैसे दुर्गा पूजा वगैरह होती है या अन्य किसी भी ऐसे अवसरों पर ये बनाई जाती है, और इन बनाना बहुत आसान है और खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट होती है। ये देखिए इस तरह से हम इसे थोड़ा सा पूरी के आकार में बेल लेते हैं। इसे हम ज़्यादा छोटी नहीं बनाते हैं, थोड़ा बड़ी ही बनाई जाती है। एक बार ये राधा वल्लभी कचौड़ियाँ आप जरूर बनाएं, आपको पता चलेगा कि ये कितनी स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये कचौड़ी बनके तैयार है, और इन्हें जब भी बनाएं
आप गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ ही परोसें। और ये सभी को बहुत पसंद आएंगे, एक बार इन्हें जरूर अपने घर में ट्राई करना। त्योहार चल रहे हैं, इन त्योहारों में आप एक बार इस तरह की कचौड़ी आप जरूर बनाएं। ये देखिए, इसी तरह से हम सारी कचौड़ियां तैयार कर लेते हैं और सब्जी हमारी बन चुकी है। गर्मा गर्म सब्जी के साथ में ये राधा वल्लभी कचौड़ियां सर्व करेंगे। ये देखिए, इन्हें हमें मीडियम आंच पर ही पकाना होता है, तेज आंच नहीं होनी चाहिए। सब्जी भी हमारी पूरी तरह से पक्के तैयार है और हम थोड़ा सा आलू को मैश कर देते हैं। आइए अब हम गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ में कचौड़ियाँ सर्व करेंगे और ये सभी को बहुत पसंद आएंगी। दोस्तों, एक बार इन त्योहारों पर आप इसे बनाकर जरूर देखें, सभी को पसंद आएंगे, उम्मीद है मुझे। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी आलू की सिंपल सब्जी है। इसमें लहसुन प्याज ऐसा कुछ नहीं यूज किया गया है और बड़ी आसानी से बनकर तैयार है। एक बार दोस्तों जरूर ट्राई करें। थैंक यू, धन्यवाद।